हे गाइस, यार एक बात बताओ, आपने लुई बर्गर का बर्गर ट्राई किया है? हो सकता है शायद आपने ना ट्राई किया हो, बट उनकी एड तो आपने पक्का देखी होगी यूट्यूब पे। यार पता है क्या, मैंने ना अपनी एक यूट्यूब वीडियो में इनका एक बर्गर ट्राई आउट किया था, एंड दैट बर्गर वाज फकिंग लिट। मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना थोड़ा ट्राई कर लूं लुईस बर्गर, एंड फिर भाई फिर कभी देखा जाए 24 आवर्स, क्योंकि यार लुईस बर्गर के बर्गर बहुत महंगे हैं। इनका एक बर्गर है जो 888 रुपीस का है। यार ये जरा मेरी शक्ल पे गोल्डन लाइट देखना। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यार, इस डब्बे के अंदर गोल्डन ब्रेसलेट होने चाहिए थे, बट इस डब्बे के अंदर पता है क्या है? यस, दिस इज देयर 888 रुपीस वाला बर्गर। यार मतलब मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि मैं इसे क्यों खा रहा हूं, मैं इसको किसी अपनी अलमारी में लॉक लगा के क्यों नहीं रख रहा। एनीवे यार, इसको खाने से पहले ना मैं आपको ना इनके मेन्यू का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो इनके मेन्यू में 12 बर्गर्स हैं, आई मीन दे हैव नॉन वेज, वेज, इवन वीगन बर्गर्स, तो भाई ख्याल ये सबका रखते हैं। और बाकी साइड्स में दे हैव फ्राइज, अनियन रिंग्स एंड चिकन विंग्स, वो भाई बाद में ट्राई आउट करेंगे। और डेजर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दे हैव ओनली 2 ऑप्शंस, वो भी बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी भाई ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है। यार ये टैक्सेस के बाद ना 1000 रुपए का बर्गर है, तुम्हें पता है? ये लिटरली मेरी लाइफ का सबसे महंगा बर्गर है भाई। एंड हाँ, उन 12 बर्गर्स के सिवाय ना इनके पास 2 और बर्गर हैं। एक तो भाई यही है, ये लुईस रॉयल ग्रैंड बर्गर, और एक और बर्गर है, एक्चुअली दिस इज द नॉन वेजिटेरियन बर्गर, एक वेजिटेरियन बर्गर है इनके पास, उसकी कीमत भी 888 रुपीज है, 888 रुपीज है, एंड दैट इज ट्रूफल टेक वेज बर्गर। जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था ना, तो जोमैटो पे नॉन वेज वाली की रेटिंग थी 23 और समथिंग, और वेज वाली की रेटिंग थी 10, तो मैंने कहा यार अब एक बार खर्चा कर रहा हूं तो अच्छी चीज पे करूंगा, दैट्स द रीजन मैंने नॉन वेज वाला ऑर्डर किया है। और बाकी ना मैंने साथ में एनिमल स्टाइल फ्राइज ऑर्डर किए हैं। पिक्चर में तो यार ये ऐसे लग रहे थे कि इनके ऊपर लाइक जैसे 0 डिग्री पे मिलते हैं ना फ्राइज, काफी सारा लोड करके देते हैं, बट मैं देख चुका हूँ ऐसा इनके अंदर कुछ है नहीं, दीज आर लाइक नॉर्मल फ्राइज, साथ में इन्होंने ये सॉस दिया है, एनिमल स्टाइल सॉस बोलते हैं उसको, और ऐसा लग रहा है यार इसके अंदर इन्होंने रेड चिली पाउडर डाला हुआ है। ओ भाई, द सॉस इज गुड, क्रीमी एंड स्पाइसी, पर यार देखो क्वांटिटी बहुत कम दी है इन्होंने मुझे सॉस की। आई मीन दीज फ्राइज आर फॉर 220 रुपीज, और भाई देख लो इतना तो फ्राइज है, 3 आलू इन्होंने मुझे 220 रुपए के बेचे हैं, अभी इस पे मैंने टैक्स भी दिया। और वैसे यार ये लग तो एकदम बड़ा प्रीमियम सा बर्गर रहा है, आई मीन ऑफकोर्स लगेगा ना, क्योंकि डब्बे शब्बे के शशके हैं तो क्यों नहीं। सबसे पहली जो मेरी टेक है ना इसकी, भाई ये चेकआउट करो, ये ऑरेंज वाली सॉस देख रहे हो, दिस इज द सेम सॉस जो इन्होंने मुझे एनिमल स्टाइल फ्राइज के साथ दिया है। सो बेटा ये तो मैंने तुम्हारा क्रैक कर लिया, और ओ भाई कुछ कुछ है यार इसके अंदर, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ है, आई मीन इसके अंदर वो मुझे डबल पैटी लग रही है, और लेटर्स है, और वट इज दिस, दिस इज शिमीजी, शिमीजी आई थिंक इज मशरूम, मशरूम वाला फ्लेवर आ रहा है, और शेडो चीज, और सॉस, और ये बन जो है ना ये बड़ा शाइन इसलिए मार रहा है क्योंकि दिस इज द ब्रियोश बन। ओके ठीक है भाई, लेट्स डिग राइट इनटू इट, सब कुछ मैंने आपको ढंग से बता दिया, अब चीयर्स भाई। इसका सीन पता कैसा है, जो बन है ना, बन तो डुबाया इन्होंने अमूल बटर के अंदर, तो इतना ज्यादा मुझे इसके अंदर से बटर का फ्लेवर आ रहा है, एंड आई कैन टेस्ट चीज और लैम मीट, दीज आर दी 3 डोमिनेटिंग फ्लेवर्स इन दिस बर्गर। यार देखो बर्गर वॉज 8/10 फॉर मी, बट यार द प्राइस विच आई पेड फॉर दिस बर्गर इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। मतलब अगर ये 300 रुपए का होता है, 350 रुपए का होता तो ठीक था, बट ये जो डब्बे की वजह से ये जो जबरदस्ती का शशका मार के इन्होंने 1000 रुपए का बर्गर बना दिया, दिस इज समथिंग नॉट जस्टिफाइड। बट ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं है, यस द बर्गर इज टेस्टी फॉर श्योर। एनीवे अब मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई बर्गर तो देखो अच्छा था, मजा तो आया मुझे ब्रेकफास्ट में, एंड अब थोड़ा सा ना खाने को पचाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़े और पकवानों के साथ। ओके टड़ा, आपको पता है मैंने ना लंच के लिए फार्म हाउस बर्गर ऑर्डर किया है, क्योंकि फार्म हाउस बर्गर इनका वेजिटेरियन में बेस्ट सेलर बर्गर है,
और साथ में मैंने ऑर्डर किया है फ्राइड चिकन। और जब तक हमारा खाना आ रहा है ना, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट अपना ऐप। यार आपको पता है 10 मिनट में इस देश में क्या क्या हो रहा है, 10 मिनट में बर्गर्स बन रहे हैं, 10 मिनट में ग्रोसरी तक डिलीवर हो रही है, और 10 मिनट में आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल करा सकते हो अपना ऐप पे, एंड हो सकता है यार आपको जॉब भी मिल जाए। विश्वास नहीं हो रहा ना, पहले मुझे भी नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर ही अपना ऐप ने 10 करोड़ से ज्यादा इंटरव्यूज कराए हैं, और तो और अपना ऐप से 2 लाख से ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे कि Zomato, Airtel एंड Menimo। इस ऐप में आपको हर तरीके की जॉब मिलेगी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, नाइट शिफ्ट, यू गेट एवरी काइंड ऑफ जॉब ऑन दिस ऐप। एंड सबसे अच्छी बात, इसमें ना हाइपर लोकल जॉब्स हैं, मतलब आपको ना अपने घर के पास वाली जॉब दिखेंगी ऐप पे। यार लास्ट 2 साल सबके लिए बहुत डिफिकल्ट थे, मुझसे पर्सनली लोग पूछते थे कि यार कोई जॉब हो तो प्लीज हमें रेफर कर देना। आई यूज टू फील वेरी हेल्पलेस देयर, बट अब मुझे पता है जॉब्स अपना ऐप पे है। तो अगर आपको कोई नोन या फिर आपका फ्रेंड जॉब ढूंढ रहे हैं तो डू शेयर द लिंक विद देम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड दी ऐप एंड अपने करियर को दो नई उड़ान। Yes, that was for me. आ गया खाना भाई। Wow. Whoa. यार honestly, इनका fried chicken क्या लग रहा है यार? ओ भाई साहब, just look at this. Oh wow, यार ये दिखने में कितना ज्यादा appetizing लग रहा है। बट चिकन को ना आराम से खाऊंगा बाद में, पहले इट्स टाइम फॉर द बर्गर। वूहू गाइस, चेक दिस आउट, इन्होंने ओ वाओ वही एनिमल सॉस लगाई हुई है, ऊपर लेटस है, एंड आई थिंक दीज आर पिकल्ड अनियंस। सिस्टम ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना 2 पैटी एक में कंबाइन करके दे दी, और चीज है इसके अंदर, एंड यार आई वोंट लाई, जो पैटी का टेस्ट है ना, इसके अंदर जो मसाले इन्होंने यूज़ किए हैं, ओहो मतलब पूरा इंडियन फ्लेवर आ रहा है बढ़िया सा, और मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर आ रहा है आलू का और चीज़ का, तो बढ़िया सा वो क्रीमी चीज़ आलू विथ थोड़े मसाले वाला बर्गर है। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम फॉर द फ्राइड चिकन। गाइस यू नो व्हाट, दे हैव सक्सेसफुली रेप्लिकेटेड KFC, लिटरली पूरा KFC वाला फ्लेवर है। जो KFC के ना एक विंग्स आते थे जिनके ऊपर वो रेड वाला मसाला डाल के देते थे, मुझे वो बहुत पसंद है, और पता नहीं क्यों उन्होंने वो मसाला डालना बहुत कम कर दिया उस पर, बट लुईस बर्गर वालों ने ना वो सेम मसाला इसके ऊपर भर भर के डाला है। ये देखो कितना सारा मसाला यूज़ किया है, एंड फ्लेवर ही उसकी वजह से आ रहा है। यार सच बताऊं, बर्गर वॉज ए एंड फ्राइड चिकन वॉज ए प्लस, मज़ा आ गया लिटरली खा के। Honestly यार, I am full up, पेट में जैसे ही चूहे खोदेंगे, I'll see you। Oh wow, भाई check this out, यार इसके अंदर ना इन्होंने गोचू चांग सॉस यूज की हुई है, एक्चुअली इट इज अ कोरियन सॉस, और ऐसा लग रहा है यार इसके अंदर जैसे वो हम कोरियन नूडल्स खाते हैं उसमें से जो स्पाइसी फ्रेग्रेंस आती है ना, वो स्पाइसी एंड टैंगी ट्विस्ट, कुछ कुछ वैसी वाइब आ रही है मुझे इसमें से। दिस इज द कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर, और ये एनिमल सॉस तो यार ये डालते हैं अपने हर बर्गर में, और पिकल्स हैं इसके अंदर, एंड थोड़े थोड़े मुझे स्प्रिंग अनियंस नजर आ रहे हैं। यार बड़ा मैसिव सा बर्गर है, मतलब ऑफकोर्स 340 रुपये दिए इस बर्गर के, तो इतना तो मिलना ही चाहिए था, और नीचे ना मुझे कोल्ड स्लॉ भी नजर आ रहा है, तो कोल्ड स्लॉ सैलड डाला हुआ है। ऑल इन ऑल भाई बड़ा जूसी सा बर्गर लग रहा है। ओ भाई ओ मैन यार, दिस इज अमेजिंग। यार एक तो जो कोरियन सॉस है ना, दैट इज स्वीट एंड चिली, बट साथ में जो इन्होंने एनिमल सॉस डाली हुई है ना, ओ हो यार उसका ब्लेंड इतना ज्यादा क्रीमी हो गया ना, और साथ में फ्राइड चिकन। गाइस सो फार दिस इज द बेस्ट चिकन बर्गर आई हैड, सच में यार। कायदे से यार ये थोड़ा सा बर्गर मुझे ना बचाना पड़ेगा घर पे खिलाने के लिए, ये इतना ज्यादा यम है। Are you excited for the dessert? मतलब आपका तो मुझे नहीं पता, बट आई एम तो पक्का एक्साइटेड यार। एक्चुअली ना डेजर्ट ऑप्शन इनके पास 2 ही हैं, एक तो ये कैरमल चीज केक है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर से खराब हो गया, और इनके पास है वॉलनट ब्राउनी,
यार वॉलनट ब्राउनियाँ तो बहुत खा ली, अब मुझे कैरमल चीज़ केक ट्राई करना था, ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। सो ओ भाई लुक एट दिस यार, ये पूरी ट्रायंगल चीज़ केक पेस्ट्री है जिसके ऊपर इन्होंने कैरमल सॉस डाली हुई है और हमें सर्व किया है। ऑलराइट, चेक दिस आउट। सी इट्स नॉट बैड बट आई थिंक कैरमल का फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा हो गया चीज केक से। ओ मैन द फूड वाज सो गुड, सच में एक्सपेंसिव बट गुड। मैं तो कहता हूँ यार, अगर आप पक चुके हो वो वूपर और KFC का फ्राइड चिकन बर्गर खा के, तो भाई एक बार लुइस बर्गर ट्राई कर लो। आई मीन हाँ यार महंगा है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा है, बट वर्थ है, वन टाइम वर्थ तो पक्का पक्का है। और मेरे हिसाब से ना यार, इनको अपने हर बर्गर के साथ ना कम से कम फ्राइज तो फ्री देने ही चाहिए। आई मीन इनके मतलब मिनिमम आई थिंक जो बर्गर का प्राइस है दैट इज़ 215 रुपीज़, और मैक्सिमम जो इनका डीलक्स एडिशन बर्गर है 800 रुपये वाला, उसके साथ भी इन्होंने कुछ कुछ साइड्स कॉम्प्लीमेंट्री दिए नहीं, विच इज़ भाई सच अ डाउनर। तो मेरे हिसाब से यार थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए इनको, एंड नो डाउट बर्गर्स इनके मस्त हैं भाई, आए तो मतलब मज़ा आ गया। ठीक है भाई, अब मुझे कमेंट्स में बताओ व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है जितना हो पाया। एंड भाई अपना ख्याल रखो, आई विल सी यू सुपर सून, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।